तो आज हमें ये इंकशाफ हुआ कि हमारे हार्ट में एक पंप नहीं है, हमारे हार्ट में दो पंप है ना। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को फिर हम फॉलो करते जाएंगे। अब देखिए, अब लेट सपोज ये मैं आपका बिल्कुल सिंप्लीफाइड हार्ट बना रहा हूँ और इस हार्ट को मैं टिल्टेड बना रहा हूँ। और कल हमारी इस पर बात हो गई थी कि हमने इसको टिल्टेड क्यों बनाया है ना। तो नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे चेस्ट में ऑब्लिकली प्लेस होता है। कैसा होता है बेटा? ऑब्लिकली प्लेस होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो हार्ट है ना, इस हार्ट के अंदर हमें इन ऊपर की तरफ, इस हार्ट में हमें ऊपर की तरफ एक बिल्कुल पतली वॉल वाला चेंबर नज़र आता है। और ये जो पतली वॉल वाला चेंबर है, इस चेंबर को हम कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं इसको हम? एट्रियम। अब आप आज ये रूल याद कर लें कि हार्ट में वो चेंबर जो ऊपर की तरफ होंगे उनको हम नाम देंगे एट्रियम का। किसके नाम देंगे? एट्रियम का नाम देंगे। किसके नाम देंगे बेटे? उसको हम नाम देंगे एट्रियम का। और ये हमारे पास एक एट्रियम और आ गया। और ये जो एट्रियम होते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, दे आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत पतली वॉल वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं इसकी वॉल और थोड़ी पतली कर दूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखें कि इसकी वॉल बिल्कुल थिन वॉल्ड होती है, ठीक है? तो इसकी वॉल बिल्कुल थिन वॉल्ड होती है। ये मैंने इसकी वॉल को आप लोगों के लिए और थोड़ा सा थिन कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने इस एट्रियम के नाम पे दो चेंबर बनाए, एक ये वाला चेंबर और एक ये वाला चेंबर। तो ये जो चेंबर होगा हमारा, ये वाला चेंबर, इसको मैं नाम दूंगा राइट एट्रियम का। किसके नाम दूंगा? राइट एट्रियम का। और फिर इसको मैं ये क्या नाम देना चाहिए? लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, तो ये राइट और लेफ्ट एट्रियम दो हमारे एट्रियम होगा। अब आप देख रहे हो और आपको समझ में आ रही है बात कि राइट और लेफ्ट एट्रियम जो एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए, अलग हुए हुए, इनके बीच में ये पार्टीशन आपको नज़र आ रही है। और ये पार्टीशन इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है। तो ये पार्टीशन जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, इस पार्टीशन को हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम का। किसके नाम देते हैं बेटा? इंटर एट्रियल सेप्टम का। किसके नाम देते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम का। अब आप लोगों ने याद रखना है, भूलना नहीं, कि इंटर मतलब होता है बिटवीन, सेप्टम मतलब होता है वॉल, एट्रियल मतलब एट्रियम। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन यानी दरमियान में। और सेप्टम का मतलब क्या होता है? सेप्टम मतलब होता है वॉल यानी पार्टीशन यानी दीवार। तो ये बिल्कुल एक पार्टीशन की तरह इन दोनों को अलग अलग कर रही है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी, ठीक हो गया? तो इसका क्या नाम है? इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कभी भी आइसोलेशन में नहीं होते ना। तो इस राइट एट्रियम के नीचे एक थोड़ा सा मोटी वॉल वाला चेंबर और होगा इस तरीके से, और लेफ्ट साइड पे भी एक चेंबर होगा। और इसकी वॉल्स हमारे हार्ट की सबसे थिक, सबसे मोटी वॉल होती हैं इस तरह से। तो आप ये क्लियर देख रहे हो मैंने इसकी वॉल को कितना मोटा करके बनाया। मोटा मैंने इसको ही बनाया, मगर इसकी वॉल को मैंने ज़्यादा मोटा करके बनाया है ना। तो ये वाला जो चेंबर है हमारा, ये वाला चेंबर, इसको अब हम नाम देंगे किसका? इसको हम नाम देंगे राइट वेंट्रिकल का। किसका नाम देंगे बेटे? राइट वेंट्रिकल का। और इसको हम नाम देंगे किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसको हम नाम देंगे किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब जिस तरीके से राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम था, उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करने वाला भी ये सेप्टम है ना। तो इस सेप्टम का नाम क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है? अच्छा, ये आप समझ गए। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर रहे हो, और वो चीज़ आप क्या नोट कर रहे हो कि एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करने वाला भी तो ये सेप्टम नज़र आ रहा है हमें बीच में, ये रहा नज़र आ रहा है। तो देखो, ये पार्टीशन, ये सेप्टम वो सेप्टम है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। तो ये वाला जो पार्टीशन होगा, इसको हम नाम देंगे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम का। किसके नाम देंगे? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम का, यानी वो सेप्टम जो एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ए वी सेप्टम भी बोलते हैं। ए इज फॉर एट्रियो, वी इज फॉर वेंट्रिकुलर, सेप्टम मतलब सेप्टम। तो ए वी सेप्टम कहेंगे, हमारी जांच छूट जाएगी, ठीक हो गया? अच्छा, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीके से तीन सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टम नंबर एक, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नंबर दो,
और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नंबर 3, ये तीन सेप्टा हार्ट को चार चेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये तीन सेप्टा हार्ट को चार चेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये बात ऑब्वियस है कि ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल आइसोलेशन में तो काम नहीं करेंगे ना, अलग अलग तो काम नहीं करेंगे, तो इनका आपस में कनेक्शन होता है। इनका आपस में क्या होता है? इनका आपस में कनेक्शन होता है इस तरीके से, इनका आपस में कनेक्शन होता है ये से, ये इनका कनेक्शन है जहाँ पर एट्रियम कम्युनिकेट कर रहा है वेंट्रिकल के साथ, जहाँ पर एट्रियम कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ? वेंट्रिकल के साथ, है ना। तो ये जगह जहाँ पर ये एट्रियम इस वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसको क्या नाम देना चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, इसको आपके ख्याल में क्या नाम देना चाहिए? बोलो शाबाश। इसको आपके ख्याल में क्या नाम देना चाहिए? बड़े जालिम हो तुम लोग यार। ट्रैक स्पीड वेल्व किसने बताया तुम्हें? बुक में लिखा हुआ है, मार खाओगे मुझसे। हाँ भाई, इस ओपनिंग का नाम रखो। अगर तुम्हारा और तुम्हारे चाचू का घर बराबर बराबर में हो और तुम्हारे और तुम्हारे चाचू के घर की जो दीवार है उसमें एक दरवाज़ा निकला हुआ हो जहाँ से तुम चाचू के घर में जा सकते हो और चाचू वाले तुम्हारे घर में आ सकते हो, तो तुम उस दरवाजे का क्या नाम रखोगे? वो दरवाज़ा जो चाचू घर में खुलता है। अम्मी बोलेगी बेटा दरवाज़ा बंद करके आ जाओ। आप पूछोगे कौन सा दरवाज़ा? अम्मी बोलेगी वो दरवाज़ा जो चाचू के घर वाला दरवाज़ा है, चाहे कोई चोर वो ना चला जाए उधर। एक बात हो रही ठीक है? तो वो दरवाज़ा, वो रास्ता जो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ेगा, उसका नाम क्या होना चाहिए? तोबा भाई तोबा, कहाँ फंस गया हूँ मैं? इतने तुम्हें मैंने हिंट दे दिए हैं मगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। इसको हम सिर्फ और सिर्फ अभी एट्रियो, अभी इसने कहीं से पढ़ा है मुझे लग रहा है, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी ये वो ओपनिंग है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ रही है ना, तो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ने वाली ओपनिंग को क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। अगेन चूंकि ये राइट साइड पे है तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, और ये वाली लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ठीक है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ठीक है, वो जो गार्ड होते हैं, वेल्व होते हैं, वो इन ओपनिंग्स को गार्ड कर रहे होते हैं। जैसे दरवाज़ा, दरवाजे की जगह होगी तो दरवाज़ा लगाओगे ना भाई। पहले जब ये बिल्डिंग बन रही होगी तो क्या हुआ होगा? उन्होंने इस दीवार में ये जगह छोड़ दी होगी, है ना, कि यहाँ पर दरवाज़ा लगेगा। जगह छोड़ी होगी तो दरवाज़ा लगेगा ना। अगर जगह ही ना छोड़ते, ऐसी सॉलिड दीवार बना देते तो क्या हम दरवाज़ा लगा सकते थे? लगा लेते, दरवाज़ा बाहर थे, दरवाज़ा खोलता, दीवार में लगते आगे डस गिरेंगे। ऐसा होता नहीं होता। तो पहले ओपनिंग होगी तो उसकी ओपनिंग की जगह पे गेट आएंगे ना यार। अच्छा, अब यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई भी सवाल नहीं है? ओके, तो कितने चेंबर हो गए हार्ट के? दो चेंबर, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, टोटल हो गए चार। अब एट्रियम और वेंट्रिकल जो राइट साइड में होंगे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग से, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कम्युनिकेट करेंगे थ्रू लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग के। अब तुम लोगों ने एक बात यह समझ लेनी और वो बात अभी से याद कर लो। अगर मैं एक डिवीजन बना दूं, इधर डिवीजन, ये मैंने एक डिवीजन बना दी। देखो मैंने क्या किया है, मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड से अलग कर दिया है ना। तो तुम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, राइट हार्ट भी हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? राइट हार्ट। इसके पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये पंप है, इट्स ए पंप फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट्स ए पंप फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और तुम समझ रहे हो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारी मुराद है वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान में होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ होती है? बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। अब तुम्हें याद है हमने जब पढ़ा था डबल सर्किट प्लान, तो डबल सर्किट में हमने क्या देखा था कि जब ब्लड आता है हार्ट के पास
तो ब्लड पहले उसको कहाँ भेजता है? लंग्स के पास। लंग्स से वो क्या लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके वो वापस कहाँ आता है? हार्ट के पास। एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? यानी हार्ट ने ब्लड दिया लंग्स को, लंग्स ने ब्लड को क्या दी? ऑक्सीजन। क्या निकाल ली ब्लड से? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस कहाँ भेज दिया? हार्ट के पास। तो ये हमारी क्या कहलाती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, जिसको हम लेफ्ट हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हार्ट। ये कंटेन करता है, इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कंटेन करता है बेटे? ये कंटेन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कंटेन करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पंप करेगा कहां पर? पूरी बॉडी को, है ना? तो इट्स अ पंप फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये किसका पंप है बेटा? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पंप है। किसका पंप है ये? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है? सर्कुलेशन विद होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रही है वो क्यों? क्योंकि लंग्स वाली कहाँ हो गई कवर? लंग्स वाली कहाँ कवर हो गई? पल्मोनरी सर्कुलेशन कवर हो गई। तो राइट हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन का पंप है और लेफ्ट हार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पंप है। तो आज हमें ये इंकशाफ हुआ कि हमारे हार्ट में एक पंप नहीं है, हमारे हार्ट में दो पंप है ना, एक राइट हार्ट और एक लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट कौन से सर्किट में ब्लड फेंकता है? पल्मोनरी सर्किट में। और लेफ्ट हार्ट कितने ब्लड फेंकेगा? सिस्टेमिक सर्किट। बेटा बात समझिए।